तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन क्या है? अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज ए। इफ द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज ए, ए दिया हुआ है। द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स, द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स इन मेटलिक क्रिस्टल विल बी। तो क्वेश्चन समझिए, अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो पहले फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये आपके कॉर्नर वाले एटम्स मैं स्टार से दिखा देता हूं। ठीक है, और ये आपके फेज वाले एटम्स, पीछे वाला फेज, सामने वाला फेज, बॉटम फेज। ठीक है, तो ये आपका फेज एफसीसी सेल हो गया। तो उन्होंने पूछा है इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज ए, तो उन्होंने दिया हुआ है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए है। और आगे क्या पूछा है? द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स इन अ क्रिस्टल विल बी, द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स इन अ मेटलिक क्रिस्टल विल बी। यानी देखिए, ये आपको ये जो मालूम है, ये आपको मालूम है कि ये कैसे होते हैं, ऐसे बड़े बड़े होते हैं, और ये भी ऐसे बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद ये भी बड़ा बड़ा होता है। तो उन्होंने पूछा है द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स इन अ मेटलिक क्रिस्टल विल बी, यानी ये जो दो एटम्स है, ये दो एटम्स है, उनको एकदम नजदीक आ, अगर वो नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो उनमें कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर वो नजदीक आ रहा है तो उनमें कितना डिस्टेंस होगा। तो आपको मालूम है एफसीसी के लिए क्या होता है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट एट आर, यानी एज लेंथ इज इक्वल टू रूट एट इंटू इट्स रेडियस, रेडियस ऑफ एन बोलो क्या आपका एटम। ठीक है, रेडियस ऑफ एन बोलो क्या आपका एटम। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए इज इक्वल टू अंडर रूट फोर इंटू टू आर, दैट इज इक्वल टू रूट 2R, ये हमको मिल गया। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a by 2 is equal to root 2R, है ना, a by 2 is equal to हमको क्या मिल गया, root 2R। और उन्होंने बोला है कि देखिए, ये जो आपका एटम है इनको क्लोजेस्ट लेके आना है, यानी क्लोजेस्ट लेके आना है, बोलो क्लोजेस्ट डिस्टेंस, यानी आपको इस R को, ये जो आपका रेडियस है, ये दोनों को क्लोजेस्ट लेके आना है, यानी जो आपका ये है, ये पूछा है, ये जो आपका है, ये जो है, इसका रेडियस और इसका रेडियस, दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा ना, यानी हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, बोलो आपका ट्वाइस ऑफ आर, हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ आर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर आर इज इक्वल टू ए बाय टू, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं रूट टू। अभी हमको ट्वाइस ऑफ आर फाइंड करना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, टू इंटू आर, तो ये हो जाएगा टू इंटू बोलो क्या आपका ए बाय रूट टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, ए बाय रूट टू। और उन्होंने ऑप्शंस भी दिए हमको, ऑप्शन नंबर वन है आपका रूट टू ए, ऑप्शन नंबर टू है आपका ए बाय रूट टू, देखो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है अपना। क्वेश्चन समझिए, उन्होंने पूछा है कि देखो क्वेश्चन क्या है, द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स, यानी दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में जो नजदीक, जो डिस्टेंस होगा, अगर वो एकदम नजदीक आ गए तो कितना होगा। तो हमको ये आर फाइंड करना है और इसका आर फाइंड करना है, और दोनों को है ना, हमको क्या फाइंड करना है, ट्वाइस ऑफ आर फाइंड करना है। देखिए ट्वाइस ऑफ आर हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन को फील लीजिए, फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन लास्ट में है, द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स इन अ मेटेलिक क्रिस्टल विल बी, यानी ऐसा, ये सेंटर्स बन रहा है आपका सेल, ऐसा ऐसा सेल बन रहा है। ठीक है, तो ये द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ये रहेगा ये आर, या दैट इज ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो सॉलिड स्टेट पढ़िए, ये आपके प्रोफेसर से पूछ लीजिए। ठीक है, कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा।